हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी चौथी क्लास है और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं सवाल की तरफ। मुश्ताक अहमद यूसुफी को हम किस हैसियत से जानते हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुश्ताक अहमद यूसुफी ये क्या है? तंज़ मिज़ाह निगार हैं या ड्रामा नवीश हैं या नावल नवीश हैं या मुहक्किक हैं? तो इनका शुमार जो होता है वो तंज़ मिज़ाह निगार में होता है। ठीक है, जिस तरीके से पतरस बुखारी, रसीद अहमद सिद्दीकी, फुरकत काकोरी, इसी तरीके से मुश्ताक अहमद यूसुफी भी हैं, समझिए ना। तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफी, इनका शुमार होता है तंज़ मिज़ाह निगार में, उनको उसी हैसियत से जाना जाता है। अगर हम इनके जो तंज़िया जो मज़ामीन हैं इनके, उसका जो मजमूआ है, एक है आबे गुम। क्या है आबे गुम? ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। आबे गुम, फिर एक है चराग तले, और क्या है चराग तले, एक है खाकिम बदहन, खाकिम बदहन करके है, और एक और है ज़र गुज़िश्त। क्या है ज़र गुज़िश्त? ये इनके मज़ामीन का मजमूआ है। ठीक है, तो आबे गुम, चराग तले, खाकिम बदहन और ज़र गुज़िश्त, ये किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफी। इनका एक बहुत ही मशहूर मज़ाहिया कौल है कि मर्द की आँख और औरत की ज़बान का दम सबसे आखिर में निकलता है। ये किसका कौल है? ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का कौल है, समझिए ना। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। मुंदरजा ज़ेल तंज मज़ाह निगार में किसका ताल्लुक अलीगढ़ से है? अलीगढ़ से किसका ताल्लुक़ है? मज़ाह निगार है और अलीगढ़ से ताल्लुक़ जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। देखिए, इसमें ऑप्शन में जितने लोग हैं सब मज़ाह निगार हैं। अहमद जमाल पाशा को ले लीजिए, फुरकत काकोरी को ले लीजिए, शौकत थानवी को ले लीजिए, सब लोग मज़ाह निगार हैं। लेकिन पूछा है कि कौन सा मज़ाह निगार इसमें है जिसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, तो ये अलीगढ़। रसीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों में अलीगढ़ की फ़िज़ा छाई रहती है। ठीक है, रसीद अहमद सिद्दीकी की जो तहरीर है होती है उसमें अलीगढ़ की फ़िज़ा छाई रहती है। इन्होंने खाका लिखा था कुंदन के नाम से, रसीद अहमद सिद्दीकी ने। रसीद अहमद सिद्दीकी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक पढ़ाए हैं, और वहाँ एक चपरासी था, कुंदन उसका नाम था, वो जो है घंटा बजाता था, घंटी लगाता था। ठीक, और वो लगभग 30-35 साल से घंटी लगाए उसका काम था। तो उसी का जब वो इंतकाल कर गया तो उसका खाका जो है रसीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कुंदन के नाम से, समझ आ गया ना। तो कुंदन किसका खाका है, किसने लिखा है? रसीद अहमद सिद्दीकी ने। क्लियर हो गया। और रसीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका जो मज़ाहिया मजमूआ है तंज़ियात मुज़हक़ात। क्या है? तंज़ियात मुज़हक़ात। और तंज़ियात मुज़हक़ात के साथ साथ एक और है आशिफ्ता बयानी मेरी, ये इनकी खुद नविस्त है। आशिफ्ता बयानी मेरी ये इनकी खुद नविस्त है। आशिफ्ता बयानी मेरी ये इनकी खुद नविस्त है। इसके अलावा जो है ये अकबर इलाहाबादी से बहुत मुतासिर थे। ठीक है, किससे मुतासिर थे? अकबर इलाहाबादी से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और ये तरक्की पसंद तहरीक को नापसंद किया है। तरक्की पसंद तहरीक जो चल रही थी उसको इन्होंने नापसंदीदगी का इज़हार किया है, यानी पसंद नहीं किया है, मुखालिफ कह सकते हैं। ठीक है, तो तरक्की पसंद तहरीक के एक तरफ से ये मुखालिफ भी हैं। तो ये बात हो गई। और इन्होंने गालिब पर एक किताब लिखी थी, गालिब की शख्सियत और शायरी, एक किताब लिखी थी गालिब की शख्सियत और शायरी, समझ आ गया ना। तो ये है रसीद अहमद सिद्दीकी, इनका ताल्लुक कहाँ से है? अलीगढ़ से। रसीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक अलीगढ़ से। किसका खाका लिखा था? कुंदन का खाका लिखा था। किस नाम से? कुंदन के नाम से। इनकी खुद नविस्त का क्या नाम है? आशिफ्ता बयानी मेरी। ये किससे मुतासिर हैं? अकबर इलाहाबादी से ये मुतासिर हैं। ठीक है, और इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को नापसंद किया है। ठीक है, इन्होंने गालिब पर एक किताब लिखी है, उसका क्या नाम है? गालिब की शख्सियत और शायरी। उसका क्या नाम है? गालिब की शख्सियत और शायरी। मजनू गोरखपुरी ने भी एक किताब लिखी है गालिब शख्स और शायर, थोड़ा सा फ़र्क है। गालिब शख्स और शायर मजनू गोरखपुरी, गालिब की शख्सियत और शायरी ये किसकी है? रसीद अहमद सिद्दीकी, समझ गए ना। तो ये है रसीद अहमद सिद्दीकी।
अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसमें ऑप्शन में कहाँ है? मोहम्मद रफ़ी, यही है। सौदा का असल नाम मोहम्मद रफ़ी। सौदा जो है अपने ख़ानदानी नस्बत से लगाते थे। दरअसल इनके यहाँ जो घर में सौदागिरी का काम होता था, तो उस मुनासिबत से इन्होंने अपने नाम के आगे सौदा लगा लिया। और हालांकि ये शायरी भी करते थे, शायरी में इनका तखल्लुस मिर्ज़ा था। ठीक है, क्या नाम था, क्या तखल्लुस था? मिर्ज़ा। शायरी में इनका तखल्लुस क्या था? मिर्ज़ा था। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, कसीदे का नक्काशी अव्वल किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, हजूया कसीदा बहुत लिखते थे। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1712 में, कितने में हुई है? 1712 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। 1712 में पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, जब दिल्ली बर्बाद हुई उसके बाद जो है सब लोग इधर उधर शायद इधर उधर भागने लगे, तो ये भी चले आए लखनऊ, और लखनऊ में रहे 1781 तक। 1781 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में आकर रह गए थे। तो पैदाइश कब हुई? 1712 में। कहाँ हुई? दिल्ली में। इंतकाल 1781 लखनऊ में। समझ आ गया ना? सौदा का इंतकाल कैसे हुआ था? आम खाने की वजह से, ज़्यादा आम, कसरत से आम खाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। किसका? सौदा का। जब इनका इंतकाल हो गया तो इनके उस्ताद, इनके दो उस्ताद थे, पहले हम उस्ताद की बात कर लेते हैं। इनके दो उस्ताद थे, एक उर्दू के उस्ताद थे, एक उर्दू शायरी के उस्ताद थे, जिन्होंने उनको उर्दू शायरी सिखाई, उनका नाम था ज़हूरुद्दीन हातिम, जिनकी एक तसनीफ है दीवान ज़ादा, समझिए ना, ज़हूरुद्दीन हातिम, इनकी एक तसनीफ है, उसका क्या नाम है? दीवान ज़ादा। क्लियर हो गया? और इनके फ़ारसी के उस्ताद थे। फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। कौन थे? सिराजुद्दीन अली खान आरजू, खान आरजू जिनको कहा जाता है, जो मीर तकी मीर के सौतेले मामू हैं। मीर तकी मीर के सौतेले मामू क्या नाम था? खान आरजू। और खान आरजू को पूरा नाम जो है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। तो इनके ये फ़ारसी के उस्ताद थे, सिराजुद्दीन अली खान आरजू इनके फ़ारसी के उस्ताद थे। ये भी याद रखिएगा कि सौदा के उर्दू के उस्ताद, उर्दू शायरी जिन्होंने सीखी थी हातिम से सीखी थी, और फ़ारसी के उस्ताद कौन थे, यानी फ़ारसी शायरी, ये आरजू थे, यानी सिराजुद्दीन अली खान आरजू। क्लियर हो गया इतना ना? तो जब सौदा का इंतकाल हो गया, तो हातिम ने, ज़हूरुद्दीन हातिम ने एक कौल कहा था कि मेरा पहलवान सोखन मर गया। क्या कहा था? मेरा पहलवान सोखन मर गया। ये बात किसने कही थी? हातिम ने कही थी। किसके इंतकाल पर कही थी? सौदा के। क्लियर? तो सौदा के इंतकाल पर इन्होंने कहा था कि मेरा पहलवान सोखन मर गया। एक इन्वर्टेड कामा है उसी के अंदर, ये समझ लीजिए, आपको याद करना है कि मेरा पहलवान सोखन मर गया, ये कौल किसका है? ये हातिम का कौल है। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब देखिए, अभी यहाँ कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि पहलवान शायर किसे कहा जाता है, पहलवान सुखन किसे कहा जाता है। तो एक लाइन में दिमाग में बैठा लीजिए कि पहलवान शायर या पहलवान सुखन, दोनों नासिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नासिक को, दोनों। ठीक है, आबे हयात आप खोलेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, आप वहाँ पढ़ लेंगे, उसमें हवाला पूरा है कि पहलवान सुखन और पहलवान शायर दोनों नासिक को कहा जाता है। और इन्होंने एक सिर्फ बात कही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है हातिम ने उनको कह दिया कि मेरा पहलवान सुखन मर गया, तो वो पहलवान सुखन के लगा उनको मिल गया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, समझिए ना। तो इन्होंने एक बात कही है, कौल, जब वो कौल पूछा जाएगा तो वो हातिम का कौल होगा सौदा के लिए। लेकिन अगर एक वैसे पूछा जाए सवाल कि पहलवान सुखन किसे कहा जाता है या पहलवान शायर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ में नासिक, जिसे अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, अदब का तानाशाह, अदबी डिक्टेटर कौन है? नासिक। दबिस्तानी लखनऊ का बानी नासिक। समझ आ गया ना? तो ये है नासिक, इनकी बात हो रही थी सौदा की। इतना चीज़ क्लियर हो गई ना? तो आप देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, इनका असल नाम क्या है? सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। तखल्लुस क्या है इनका? मिर्ज़ा। और सौदा अपने ख़ानदानी नस्बत की वजह से लगाते थे। पैदाइश 1712 में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। इंतकाल 1781 में। कहाँ इंतकाल हुआ? लखनऊ में इंतकाल हुआ। उर्दू शायरी के इनके उस्ताद कौन थे? हातिम। फारसी शायरी के उस्ताद कौन थे? खान आरजू थे। समझ आ गया ना? और पहलवान सुखन किसे कहा जाता है? नासिक को।
पहलवान शायर किसे कहा जाता है? नासिक को। मेरा पहलवान सुखन मर गया, ये सौदा के बारे में किसने कहा था? तो हातिम ने कहा था। हातिम की एक तसनीफ है दीवान ज़ादा। दीवान ज़ादा किसकी तसनीफ है? हातिम की। हातिम जो है पहले इहाम गोई की तरफ थे, बाद में जब उनको इहाम गोई का की खराबियों का पता चला तो उन्होंने उससे किनारा कश कर लिया था। समझ में आ गया ना? तो ये बात हो रही थी सौदा के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जहे निषाद अगर कीजिए उसे तहरीर, जहे निषाद अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये इस तरीके से पूरा कसीदा है, ये ज़ौक का कसीदा। किसका कसीदा है? ज़ौक का कसीदा है। और ज़ौक ने ये कसीदा किसकी मदा में लिखा था? तो बहादुर शाह जफर की मदा में लिखा था। ये कसीदा किसकी मदा में लिखा गया है? बहादुर शाह जफर की मदा में लिखा गया है। पिछले वीडियो में ज़ौक के बारे में अच्छी खासी बात हो चुकी थी, तो उस पर ज़्यादा देर तक वक्त ज़ाय करना कोई फ़ायदा नहीं है। हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जलावतन किया गया था? पहली बात तो आप जानते हैं कि जला पढ़ना है, जिला नहीं पढ़ना है। समझ आ गया ना? ये जलावतन है। तो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की वजह से किस शायर को जलावतन किया गया था? कुली कुतुब शाह, अली सरदार जाफरी, मीरान जी, बहादुर शाह जफ़र। इसका जवाब क्या होगा? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जब 1857 की गदर हो रही थी, 1857 वाली जो गदर का जो माहौल था उस वक्त, जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगह से उसकी जो है नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे हर जगह से। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने उसका नेतृत्व किया, उसकी लीडरशिप किया, क़यादत की, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को बड़ा बुरा लगा और अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया, ठीक है। कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया गया था। और तो वहाँ उनका जो है जी बहुत घबरा रहा था। तो उनकी जो एक बहुत ही मशहूर गज़ल है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो ये शेर उनके दिल की तड़प है। और उन्होंने जो है कयाम रंगून के दौरान, बर्मा जिसे कहा जाता है बाद में उसका नाम रंगून, तो वहाँ रह करके जो है इन्होंने ये जो है शेर पढ़ा था, वहाँ रह करके गज़ल लिखी थी कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। तो बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र उसी दौरान 1857 के दौरान ही वाजिद अली शाह लखनऊ में थे, तो वाजिद अली शाह को गिरफ़्तार करके अंग्रेज़ लोगों ने गिरफ़्तार किया महल से और उसको जो है सीगड़ पहना करके ले जा रहे थे। कहाँ ले गए थे उनको? उनको ले गए थे मुटिया ब्रिज कलकत्ता में लेकर के जा रहे थे। तो जब महल से उनको निकाला जा रहा था तो इनको लखनऊ से बहुत ज़्यादा लगाव था। किसको? वाजिद अली शाह को लखनऊ से बहुत ज़्यादा लगाव था। और जब उनको अंग्रेज़ लोग सीकड़ पहना कर जो है महल से ले जा रहे थे मुटिया ब्रिज के लिए, तब उन्होंने जो है महलों की तरफ देख करके एक शेर पढ़ा था कि दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये शेर जो है उनके समझ लीजिए कि जहनी तड़प से नमूदार हुआ। और उसके बाद जो है उनको ले जाया गया मोटिया ब्रिज में, ले जा करके वहाँ रख दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ रह रह के इनको लखनऊ की याद बहुत सताती थी, लखनऊ की याद बहुत सताती थी। अक्सर ये गज़ल पढ़ा करते थे कि वहाँ रह करके जो है एक गज़ल लिखी थी कि गज़ल इस तरीके से थी कि अल्लाह ए बुतो हमें दिखलाए लखनऊ, अल्लाह ए बुतो हमें दिखलाए लखनऊ, सोते में भी हम कहते हैं हाय लखनऊ, और गुलशन अजब बहार के हर किस रस्क खुल्द और गोमती गज़ब की है दरियाए लखनऊ। गज़ल बहुत बड़ी है लेकिन सब और भी अशार हैं उसमें, लेकिन जो फ़िलहाल याद होता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सब शेर उनके जो है तड़प से नमूदार हो रहा था और लखनऊ उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, तो उन्होंने कहा था। तो समझ में आ गया ना? तो यहाँ बात हो रही थी बहादुर शाह जफ़र की। बहादुर शाह जफ़र जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, 1857 की गदर में हिस्सा लिया था और इनको भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया था। बाद में इनके दोनों बेटे थे, दोनों बेटों के गले को काट करके उनकी थाली में जो है
ले जा कर के बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। कितना मतलब उनका जो बुढ़ापा था वाजिद अली शाह का, बहुत ही जो है ख़राब गुजरा है, बहुत ही दर्दनाक गुजरा है। ठीक है कि जो शहजादे थे, जो दिल्ली के लाल किले में जो दो शहजादे थे, उनको पहले सड़कों पर घसीटा गया और घसीटते हुए जो है ले जाया गया, फिर उनके गले को काट करके जो है उनकी गर्दन को ले जा करके रंगून में बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। तो खैर ये तो एक अलग बात ही, तो समझ आ गया ना। ये तो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में बहादुर शाह जफर को जलावतन कर दिया गया था। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद के इस अफसाने का क्या नाम है जिसमें 24 घंटे के वाक़यात, 24 घंटे की कहानी किस प्रेमचंद के किस अफसाने में है, प्रेमचंद के किस अफसाने में है? तो ये है कफन। प्रेमचंद का जो अफसाना है एक है कफन, कफन में जो है 24 घंटे की कहानी को बयान किया गया है। समझा गया ना। और ये कफन जो है ये कितने हिस्सों पर है, अफसाना कफन कितने हिस्सों पर है? तीन। अफसाना कफन कितने हिस्सों पर? तीन। इसमें जो किरदार होते हैं, एक का नाम है घेसू। घेसू जो रहता है ये वालिद रहता है। घेसू क्या है? घेसू ये वालिद है। और घेसू का एक बेटा रहता है, उसका नाम रहता है माधव। और माधव की जो बीवी रहती है उसका नाम रहता है बुधिया। हमल से रहती है लेकिन जो है ये गरीबी की वजह से ये बेचारी मर जाती है। समझ में आ गया ना। तो ये वालिद है, घेसु क्या है? बाप। माधव क्या है? घेसु का लड़का। और माधव की बीवी का क्या नाम है? बुधिया। ये चमारों का कुनबा होता है और इसका मौजू भूखमरी और मुफलिसी है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, कफन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अफसाना। अक्सर इबारत दे करके पूछा जाता है सवाल को कि ये किस अफसाने की इबारत है, ये किस अफसाने की इबारत है। उसमें एक इबारत आई हुई है छोटी सी कि जिसको जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा ना मिला, उसको मरने के बाद नया कफन चाहिए। तो ये बहुत ही अहम लाइन है उस अफसाने की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना। तो ये बात हो रही थी कफन की। और कफन, प्रेमचंद का जो अफसाना कफन है उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया है अहमद अली। किसने किया? अहमद अली। अहमद अली कौन है? आप पढ़ेंगे अफसानवी मजमूआ अंगारे, जो उसका आगे आएगा सवाल तो बताएंगे। अफसानवी मजमूआ अंगारे, ठीक है, तो उसमें कई मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं, तो उनमें एक अहमद अली भी थे, तो अहमद अली ने, वही अहमद अली हैं, अहमद अली ने अफसाना कफन का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया है। क्लियर हो गया ना। तो प्रेमचंद के किस अफसाने में 24 घंटे की कहानी है? कफन। कफन कितने हिस्सों पर? तीन। घेसु माधव बुधिया किसके किरदार? कफन के। उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया? अहमद अली ने किया। समझ में आ गया ना। और उसका ये याद कर लीजिएगा, जिसको जीते जी तन ढाकने को चीथला ना मिला, उसको मरने के बाद नया कफन चाहिए, ये इबारत किस अफसाने की है? तो हो जाएगा ये कफन। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए अगला सवाल। ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ है? ठंडा गोश्त किसकी है? ठंडा गोश्त है मंटो की। एक चीज़ और देख लीजिए कि आप सवाल देखते होंगे स्क्रीन पर, आसान लग रहा होगा, हाँ ठीक है, ठंडा गोश्त मंटो की है या प्रेमचंद का अफसानी मजमूआ 24 घंटे की कहानी कफन में है, ये मत देखिए। इससे जो जुड़े सवाल जो मैं बता रहा हूँ वो मेन चीज़ है। मतलब कि आप इसमें 10 सवाल हल करेंगे तो आपको 100 सवाल के बराबर काम करेगा। उससे सारी जो जुड़ी चीज़ें हैं वो अहम होती हैं। समझ में आ गया ना। यहाँ सिर्फ जो है उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। चलिए खैर, हम आते हैं सवाल की तरफ कि ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ है? ये है मंटू। मंटू का असल नाम सआदत हसन मंटू, 1912 में पैदा हुए, 1955 में इनका इंतकाल हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। मंटू का जो अफसानवी मजमूआ है, पहली बात तो ये जानिए कि ठंडा गोश्त एक अफसानवी मजमूआ है और उसी नाम से अफसाना भी है। अफसानवी मजमूआ है एक, उसमें 8 अफसाने टोटल शामिल हैं। अफसानवी मजमूआ में ठंडा गोश्त के नाम से एक किताब है, उसमें और भी 8 अफसाने टोटल शामिल हैं इसको लेकर के, तो उसमें एक ठंडा गोश्त के नाम से भी है वही 8ों में। ठीक है, तो ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमूआ है? मंटू का। या किसका अफसाना है? मंटू का। ठीक है, अब उसी ठंडा गोश्त किताब, पहली बात ये जानिए कि ठंडा गोश्त पर जो है फुहाशी का इल्ज़ाम लगा था। फुहाशी
का इल्ज़ाम लगा, इनको कोर्ट वगैरह में बुलाया गया था, सज़ा भी हुई थी। तो जो जो घटना, जो जो हादसात हुए थे, उसको उसकी उन्होंने रोएदाद लिखी है, उसकी उन्होंने रोएदाद लिखी है जब वो जेल से छूट करके आए, बाद में उन्होंने उसकी रोएदाद लिखी है। और उस रोएदाद का नाम, उस रोएदाद का नाम रखा इन्होंने ज़हमते महरे दरख्शां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़हमते महरे दरख्शां। ध्यान से देखिए, ज़हमते महरे दरख्शां के नाम से एक उनवान है, वो ठंडा गोश्त में है। समझ आ गया, ठंडा गोश्त किताब है, और किताब जो खोलेंगे तो वहाँ शुरू में एक हेडिंग मिलेगी आपको, ज़हमते महरे दरख्शां। और इसमें इसमें जो है इन्होंने अपनी रोएदाद लिखी है कि मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, मुझ पर फुहासी का इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर कोर्ट में मुझको बुलाया गया, मेरा अफसाना कहीं शाये नहीं हो रहा था, मैंने उसको किसी तरीके से शाये कराया। तमाम तरीके की जो जो बातें हुई थी उस अफसाने को लेकर, ठंडा गोश्त को लेकर के, वो चीज़ें उन्होंने अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त में ज़हमते महरे दरख्शां के नाम से लिखी। बाद में और आठों अफसानों जो उनके शामिल हैं वो भी हैं, समझ आ गया ना। तो ज़हमते महरे दरख्शां के नाम से रुएदाद मंटू ने अपने किस अफसानवी मजमूए में लिखी थी, तो ठंडा गोश्त। अब क्लियर हो गया होगा ना। और ठंडा गोश्त पर फुहासी का इल्ज़ाम लगा था। ठंडा गोश्त कहाँ लिखा था, कयामे पाकिस्तान के दौरान, कयामे पाकिस्तान के दौरान। इनके पांच या छह अफसाने पर जो है लगा था, जब हिंदुस्तान में थे, बू काली सलवार और धुआं, बू काली सलवार और धुआं, तीन हिंदुस्तान में लिखा था, और ठंडा गोश्त और खोल दो ये पाकिस्तान में लिखा था। ठीक है, तो जो है पाकिस्तान में जो चला था ठंडा गोश्त और खोल दो पर, तो ये पांच अफसानों पर उनको मुकदमा चला था। समझ आ गया ना, तो क्लियर हो गया ना ये सवाल। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। गर्दिशे रंगे चमन व चांदनी बेगम किसका लिखा हुआ है, ये है कुरतुलैन हैदर। मेरे भी सनम खाने, शफीने गमे दिल, आग का दरिया, गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम, ये सब क्या है, ये सब नावल है किसके, कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर को जो है ऐनी आपा कहा जाता है, ऐनी आपा, ऐनी आपा के नाम से कौन मशहूर है, कुरतुलैन हैदर। ठीक है, इनके वालिद का क्या नाम था, सज्जाद हैदर यलदिरम, अलीगढ़ के पहले रजिस्ट्रार सज्जाद हैदर यलदिरम। और उन्होंने जो है रूबानवी अफसाना लिखने की बुनियाद डाली। वो जो है तुर्की में गए थे, तो वहाँ के तुर्की के अफसानों को जो है इन्होंने उर्दू में मुंतकिल किया है। तुर्की के अफसानों को उर्दू में किसने मुंतकिल किया है, ट्रांसलेट किया है, तो वो किया है सज्जाद हैदर यलदिरम ने। समझिए ना, वो सज्जाद हैदर यलदिरम ने किया था। अलीगढ़ के पहले रजिस्ट्रार सज्जाद हैदर यलदिरम। तुर्की अफसानों का तर्जमा किसने किया था, सज्जाद हैदर यलदिरम। उर्दू में जो है रूमानी अफसाने सबसे पहले किसने लिखे, सज्जाद हैदर यलदिरम। क्लियर है ना, तो उनकी बात हो रही थी ये। तो अब कुरतुलैन हैदर का एक बहुत ही मशहूर नावल आग का दरिया, आग का दरिया किसका है, कुरतुलैन हैदर है का है। और इन्होंने उसका जो नाम लिया है, उनका जो नाम लिया आग का दरिया, वो जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो ये बात हो गई। एक चीज़ और है कुरतुलैन हैदर के बारे में, कि इन्होंने अपने तमाम अफसानों या नाविलों का जो उनवान लिया, नाम जो लिया, वो किसी न किसी शायर के शेर से अखज़ किया है, किसी न किसी शायर के शेर से लिया है। समझ आ गया ना।